हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? तो आज हम करेंगे जर्नल मैसेजेस, देखेंगे कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। ओके, जितनी देर तक मैं कार्ड को शफल करती हूँ, आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आप मुझसे फ्री रीडिंग लेना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके, तो हम देखते हैं करंटली आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, यू डिजर्व टू बी हैप्पी, वो कहना चाहते हैं कि आप डिजर्व करते हैं हैप्पी रहना। लगता है आप बहुत हैप्पी पर्सन हैं, या वो आपके पर्सन आपको हमेशा खुश रहना और खुश देखना चाहते हैं। ओके, ट्रस्ट हो सकता है, आप दोनों में कोई ट्रस्ट इश्यूज हो, या आप अपने पर्सन पे ट्रस्ट नहीं कर रही, या आपके पर्सन आप पे ट्रस्ट नहीं करते, आप दोनों के दरमियान लगता है कोई ट्रस्ट इशू प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। ओके, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सभी के लिए है, सेम जेंडर, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, मैरिड अनमैरिड। ओके, प्लीज़ ओपन माइंडेड लीजिएगा रीडिंग को। हर्टिंग यू इज़ द बिगेस्ट रिग्रेट। ओके, अब शायद उन्हें रिग्रेट फील हो रहा है, उन्होंने शायद आपको हर्ट किया हो, या आपकी बातें उन्हें हर्ट कर गई हों, या उनकी बातें आपको हर्ट की हों, या आपने उन्हें कुछ ऐसा बोला हो, कुछ हर्टिंग है और उन्होंने किया है आपको, और अब वो रिग्रेट फील कर रहे हैं। ओके, और देखते हैं आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। यू आर सो ब्यूटिफुल, आई जस्ट लव योर स्माइल। आपको कुछ भी रखना चाहते हैं, आपकी स्माइल उन्हें बहुत पसंद है, कह रहे हैं कि आप एक बहुत खूबसूरत हैं, बहुत खूबसूरत दिल है आपका। ओके, और देखते हैं आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। दो कार्ड आ गए हमारे पास। इट हर्ट्स बट इट वॉज नेसेसरी। ओके, हो सकता है कि उन्होंने आपका कोई दिल दिखाया हो, लेकिन वो समझ रहे हों कि ये ज़रूरी था। आई डोंट नो ये आप लोगों की सिचुएशन पे कैसे मैच करता है। इट वॉज जस्ट अट्रैक्शन व्हेन आई मीट यू, बट नाउ आवर लव इज़ गोइंग टू कीप अस टुगेदर फॉर एवर। ओके, हो सकता है जब आप उनसे मिले हो तो जस्ट एक अट्रैक्शन ही उनको फील होता हो, लेकिन आप जो है वो इस रिलेशन में जो है ना आपके साथ फॉर एवर रहना चाहते हैं। फैमिली, ओके, बॉटम की एनर्जी में हमारे पास फैमिली है, तो आपके साथ वो एक फैमिली बनाना चाहते हैं, या आपको एक फैमिली का अपनी हिस्सा समझते हैं। तो ये मैसेज है, कुछ हम यहाँ से देखते हैं जो मैंने लिख के रखे हैं, क्या मैसेजेज आपके पर्सन आपको बहुत सारे गिर गए, क्या देना चाहते हैं करंटली, वो आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आपके पर्सन। ओके, फोकस कीजिएगा अपने पर्सन पे प्लीज़, ताकि हम एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छी सी एनर्जीज जो है हम ग्रैप कर सकें। ओके, तो हम खोलते हैं। आई लेफ्ट व्हेन आई सॉ यू विद समवन। आपको उन्होंने किसी के साथ देखा है, शायद इस वजह से वो उनको जेलसी फील हुई और वो एकदम से गायब हो गए, या आपसे बातचीत उन्होंने बंद कर दी। ओपन अप होना चाह रहे हैं, आपसे बातचीत करना चाह रहे हैं, क्लियर कम्युनिकेशन चाह रहे हैं। ट्रस्ट बिगिन नियर यू। ओके, ट्रस्ट का अगेन हमारे पास एक निकल के आया है। ट्रस्ट इश्यूज आप लोगों के लगता है रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा है। डोंट वरी, ओपन अप तो होंगे ये पर्सन आपके साथ और डिस्कस करेंगे, आप भी ओपन माइंडेड रहिएगा प्लीज़। इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ। ओके, आपसे कहना चाह रहे हैं कि अभी वो हील होना चाह रहे हैं, शायद इस वजह से आप लोग जो है अभी नो कम्युनिकेशन में भी हो सकते हैं। सम ऑफ पास्ट टाइम कनेक्शन हो सकता है, ये आप लोगों का कनेक्शन बहुत पुराना हो, कोई 3-4 साल से आप लोग एक ही रिलेशन में हो। ओके, ऐसे भी हो सकता है, जैसे मैच करे आपके साथ। ओके, इनसिक्योरिटी। ओके, इन पर्सन को जो है अब शायद आपसे बातचीत नहीं हो रही, तो अब इनको इनसिक्योरिटी भी फील हो रही है, वो जानना चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ में ऐसा क्या चल रहा है, आप उनके बिना कैसे रह रहे हो या रह रही हैं। इनसिक्योरिटी भी ये पर्सन जो है वो फील कर रहे हैं। पेशेंट, बहुत पेशेंट बना के ये पर्सन बैठे हुए हैं। ओके,
दिल तो बहुत इनका करता है आपसे बात करने का, आपसे ओपन अप होने का, आपसे शेयर करने का सब बातें, लेकिन काफ़ी ये पेशेंट बना के भी ये पर्सन बैठे हुए हैं। रीबिल्ट, ओके, ये अपने रिलेशनशिप को अगेन रीबिल्ट करेंगे। फैमिली भी हमने देखी है, ट्रस्ट इश्यूज भी अगर आपके हैं तो रिजोल्व होंगे और रिबल्ट करेंगे ये पर्सन जो है अपने रिलेशनशिप पे वर्क करेंगे। ओके, वी बोथ नो आई एम नॉट द वन फॉर यू। ओके, आप शायद दोनों ही जानते हैं कि शायद आप दोनों एक दूसरे के लिए जो है नहीं बने हैं। पता नहीं क्या है, डिस्कस जब आप लोगों की होगी, प्लीज़ अगर मैसेज आपसे रेजोनेट हो रहे हो, मैच कर रहे हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसे आप लोगों का क्या प्रॉब्लम्स है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे नंबर पे भी कर सकते हैं। रिलीज़ कीजिए आप अपनी पास्ट की बिटर मेमोरीज़ को। आपके पर्सन आपसे ये कहना चाह रहे हैं, पुरानी बातों को आप मत लेकर बैठे। ओके, सम टाइम होता है कि हम अपने दिलो दिमाग में बहुत उल्ट सुलट गलत सलत बातें भर लेते हैं। ओके, जो हम नहीं छोड़ रहे होते हैं, लेकिन रिलेशनशिप को चलाने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों को जो है वो छोड़ना पड़ता है। इफ़ यू वांट दिस रिलेशनशिप, तो आपको जो है वो काफ़ी चीज़ों को इग्नोर भी करना पड़ता है। ओके, हम देख लेते हैं कि एंजल जो है हमें इस रिलेशनशिप में जो है वो क्या जवाब देंगे, हमें क्या मैसेज देंगे। ओके, हम ये देख लेते हैं। आप एक क्वेश्चन जो है अपने माइंड में सोचें, अपने पर्सन पर फोकस करके, तो हम देखते हैं कि एंजल्स आपको इसके बारे में क्या गाइड करते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, ओनली वन क्वेश्चन। ओके, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। ओके, आपके लिए ये मैसेज निकल के आया, हो सकता है आपने कोई कमिटमेंट मांग रहे हों या कमिटमेंट का पूछ रहे हों, तो हो सकता है कि वो कुछ महीनों में आपकी ये विश जो हो या ये पर्सन अगर आपके तरफ भड़ के आना चाहते हैं तो कुछ महीने लग सकते हैं। ओके, अभी के लिए इतना ही। मेरी रीडिंग अगर आपको पसंद है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय बाय।